आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की उचित मांगों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से मुलाकात कर उनको उनकी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके पश्चात एसडीएम ने श्री शेखावत को विभागीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण करने की बात कही। गौरतलब है कि मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुजर और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत का घेराव कर अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया था। तो इसमें इतना है कि आप करिए, मैंने उनसे ये कहा कि देखो ये तो राष्ट्र की समस्या है, इस समस्या करना तो पड़ेगा, तो स्पीडली करो आप भी, और वो भी हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि आपको समय दे देंगे। जी हाँ, जितने भी शासन के प्रोग्राम चल रहे हैं, विशेषकर टीकाकरण महाभियान, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई जा रही है। घर घर जाके सर्वे भी किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि कोई भी कोविड के विरुद्ध टीका जो है उससे कोई वंचित ना रहे। अब उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने समूह के साथ में आए थे अपने संगठन के माध्यम से। उनका कहना था काम की अधिकता बहुत ज़्यादा है और महिला होने के नाते उनके जो पारिवारिक दायित्व हैं, इसके अलावा भी जो कार्य है उसकी बढ़ती जा रही है संख्या। उनके द्वारा यह बात की गई थी, उनको मान दिया गया था शासन की ओर से, तो उनके लिए एक बड़ी सहायता होगी। तत्संबंध में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है और शासन स्तर से जो भी निर्णय लिया था उसका हम लोग क्रियान्वयन कराएंगे। सर, विभागीय अधिकारी की भी कुछ शिकायत आई सामने? जी, अभी ऐसे कुछ लिखित में कोई शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसे कोई लिखित में कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे। आंगनबाड़ी की बहनों ने आज हमको एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दो तीन बातों का उल्लेख था कि कोरोना पीरियड में उन्होंने जो काम किया है उसकी प्रोत्साहन राशि उनको अभी तक नहीं मिली। दूसरा ये कि अभी उनको विभाग ने कि भाई 48 घंटे में कुछ सर्वे करके दो, तो उस सर्वे में सामान्यतः घर टू रोड जाना तो समय लगता है, तो उनका सर्वे हम ईमानदारी से करने को तैयार है, कर भी रहे, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। और कुछ शासन से संबंधित मामले थे उनके, नियमितीकरण वगैरह, इस संबंध में हमने अभी एसडीएम साहब से बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ तक वो डोर टू डोर ईमानदारी से काम कर रही है, थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा, मगर जो टीका का महाअभियान है उस महाअभियान को सफल बनाने में सब मिलकर के सहयोग करें, ऐसी अपेक्षा है। दूसरा ये कि प्रोत्साहन राशि के संबंध में हम भी कलेक्टर साहब से बात करिए और आपके लेवल पर शासन स्तर पर बात करें, तो हम भी कलेक्टर साहब से और ऊपर शासन स्तर पर बात करेंगे ताकि उनको प्रोत्साहन राशि मिल सके, ऐसा।